बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ गद्य पाठ 3 लीलाधर मंडलोई की तातारा वामीरो कथा, जिसमें मैंने आपको कथा की थोड़ी सी पुनरावृत्ति करके मैं आगे बढ़ती हूँ कि दोनों समुद्र के किनारे एक चट्टान के पास मिलते हैं। ततारा एक गाने की आवाज़ से खींचा हुआ वहाँ तक पहुँचता है, परिचय होता है, नाम पूछता है, गाने का आग्रह करता है। प्रत्युत्तर में वामीरो ने ये कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ और अपने गांव वापस चली जाती है। नाम पूछता है वो, अपना नाम बोलते हुए गांव की तरफ निकल जाती है वामीरो बोलते हुए, और फिर वो मुंह से शब्द को दोहराता है कि वामीरो कितना सुंदर नाम है, कल फिर आओगी ना, ये आग्रह। वामीरो चली तो जाती है अपने घर, लेकिन वो पूरे उसका मन बेचैन हो जाता है। उसे अजीब सी अनुभूति होती है कि न चाहते हुए भी उसका मन क्यों ततारा की ओर खींचा जा रहा है। दूसरे दिन शाम को उसी चट्टान पर बुलाने पर वो पुनः वहीं पहुंचता है, और पहुंचने के साथ ही उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती है कि वामीरो वहां आएगी। प्रतीक्षारत ततारा देखता रहता है। अचानक उसे झुरमुट से किसी के आने की आहट लगती है, तो वो बिल्कुल ही अनुभूति होती है कि नहीं, आते हैं दोनों, मिलते हैं, बोल और बात की जगह बिल्कुल निशब्द चुपचाप खड़े हैं एक टक निहारते हुए। कब सूरज की किरणें समुद्र के भीतर डूब जाती हैं इसकी अनुभूति भी नहीं होती है, और उसी लहरों में कहीं सूरज खो जाता है। वामीरो अचानक सचेत होती है कि अंधेरा होने को आ गया है, और उसे अचानक घर की याद आती है। फिर वो भागती है अपने गांव की तरफ। ततारा वहीं खड़ा रहता है निश्चल, बिल्कुल शब्दहीन। यहीं तक की कहानी मैंने आपको समझाई थी, अब मैं आगे के हिस्से को पढ़कर आपको समझाती हूँ। तो दोनों रोज उसी जगह पहुँचते, मूर्तिवत एक दूसरे के सामने खड़े रहते, निर्निमेश एक दूसरे को देखते रहते, अपलक निहारते रहते। बस भीतर एक समर्पण भाव था उसके, आंतरिक समर्पण था, जिस समर्पण को न ततारा व्यक्त कर सकता था और न ही वामीरो, दोनों ही। और ये समर्पण धीरे धीरे अनवरत लगातार गहराता जा रहा था। लेकिन आपको पता है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो खुद से पहले इस बात का पता दूसरों को चलता है। वहां भी ऐसा ही हुआ। गांव के कुछ युवक जिन्होंने इस मोह प्रेम को अचानक भाप लिया, उन्हें लगता है कि प्रतिदिन शाम एक निश्चित समय पर वामीरो घर से निकलती है, और धीरे धीरे कानो कान हवा की तरह एक खबर चारों ओर बह निकली, लोगों तक पहुंच गई कि आखिर वामीरो कहाँ जाती है। तो वामीरो लापते ग्राम की थी और ततारा पासा का था, तो दोनों दो गांव के होने के कारण कभी मिल नहीं सकते थे। उनके यहाँ की जो रीति रिवाज और परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार उनको अब मिलना बिल्कुल संभव नहीं था। तो उन्हें एक गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा बिल्कुल बहुत बार समझाने के बाद भी अपने प्रेम पर बिल्कुल अडिग थे। वे नियमतः रोज आना नियम से उसी समुद्र किनारे पर मिलते। ऐसी स्थिति में अफवाहें जो रहती हैं वो गांव के चारों ओर गूंजने लगती हैं, लोगों के मुंह ही मुंह फैलने लगती हैं, और धीरे धीरे
ये बातें लोगों के कानों में जाकर विरोधाभाव को उत्पन्न करता है, पैदा कर देता है और लोग उसके विरोधी हो जाते हैं। ततारा का जो स्वरूप था वो काफी आकर्षक था, काफी सुंदर था, लोग उसे पसंद भी करते थे, मगर रूढ़िवादी परंपरा ने इन्हें मिलना आसान नहीं किया, कठिन कर दिया राय। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हो गया, अचानक पशु पर्व का आयोजन हुआ और पशु पर्व के आयोजन का मतलब उसमें तमाम तरह के हृष्ट पुष्ट पशुओं को लाया जाता था। पशुओं के अतिरिक्त युवकों की भी शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता होती थी, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता होती थी, उसमें युवकों का भी शक्ति परीक्षण किया जाता था। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा इसमें लेते थे। उस अवसर पर नृत्य संगीत भोजन हर तरह का जो उत्सव के आयोजन होते हैं सब कुछ होता था। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे, धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो प्रतीक्षारत था बामीरो की, कि बामीरो इस आयोजन में क्यों नहीं दिखाई पड़ी उसे। और उसकी व्याकुल आंखें सिर्फ बामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड में एक पेड़ के पीछे उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा सा करीब जाकर पहचानने की कोशिश की कि क्या वो बामीरो ही है, उसे तो बस उसी की प्रतीक्षा थी। बामीरो डर रही थी कि उसके प्रेम की चर्चा गांव में हर जगह हो चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे किसी विरोधियों का सामना करना पड़े। डरी हुई भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल तरल थी, क्योंकि उससे ये महसूस हो गया था कि उसके विरोधियों की संख्या बढ़ गई है। घर में बाहर में सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे और जैसे ही वो ततारा को देखती है फूट फूट कर रोने लगती है। ततारा बेहाल हो जाता है, उसके समझ में नहीं आता कि क्या करे, उससे कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था। रोने की आवाज उसकी लगातार ऊंची होती जा रही थी और ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करे क्या ना करे, असमंजस की स्थिति में बिल्कुल पड़ा। बामीरों के रोदन का स्वर सुनकर बहुत बेचैन था और उसके रोदन की आवाज पर ही उसकी माँ भी वहां पहुंच जाती है। दोनों को एक साथ देखते ही माँ आग बबूला हो जाती है। बामीरों के को समझ में नहीं आता है और उसकी माँ क्रोध में एकदम उफनती हुई तरह तरह से ततारा को अपमानित करती है। गांव के लोग भी बामीरों की माँ के साथ हैं, वे हर तरह से विरोध में साथ देकर आवाजें उठाने लगते हैं, जो कि ततारा के लिए असहनीय हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता है कि गांव वालों के लिए वो अपना प्रेम यानी बामीरों को छोड़ दे या बामीरों के लिए गांव वालों को छोड़ दे। समझ में कुछ नहीं आता है कि क्या करे, किसका विरोध करे, बामीरों को लेकर दुनिया से लड़े या अपने मन की सुने या ना सुने। असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ उसके समझ में कुछ नहीं आता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। तो और वो बामीरों को समझा भी नहीं पाता। बामीरों रोए चली जा रही है, ना वो अपने हृदय की बात ततारा से कह पाती है, ना लोगों का विरोध करके ततारा से ये कह पाती है कि उससे प्रेम करना छोड़ दे। ततारा भी काफी गुस्से में आ जाता है, उसे ये लगता है कि सारी दुनिया उसके प्रेम का विरोध कर रही है,
उसे जो यहाँ की परंपरा थी विवाह के निषेध की, कि विवाह नहीं कर सकते, उस पे बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। और वामीरों की वो किसी प्रकार से सहायता कर नहीं सकता था, खींच जाता है, झल्ला पड़ता है। वामीरों का दुख उसे और गहरा गया, वो समझ नहीं पाता है कि क्या करे, किससे जाए अपने कष्ट को कहने के लिए, या क्या कदम उठाए, आगे उसकी क्या कदम उठाने की स्थिति है, उसके समझ में ये भी नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ने के लिए एक ताकत की जरूरत होती है, लेकिन शारीरिक ताकत होते हुए भी पूरी दुनिया का विरोध करने के लिए जो मानसिक ताकत चाहिए, वो बहुत कठिन समस्या होती है। वामीरों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, तातारा ये भी चाहता था, और हर तरह से वो ये चाहता है कि उसका प्रेम भी बना रहे। उसके समझ में नहीं आता है कि अपना विरोध प्रदर्शन वो किस रूप में करे, तातारा को लेकर कहीं चला जाए, गांव वालों का विरोध करे, या अपना क्रोध स्वयं अपने ऊपर उतार दे, तो उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आता। अचानक जिस दैवी तलवार को लेकर वो हमेशा अपने साथ रखता था, कमर में बांधे रहता था, अचानक उसका हाथ उसी दैवी तलवार पे जाकर टिक जाता है। उसने गुस्से में आकर जोर से तलवार खींच ली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध उसका बिल्कुल लगातार बढ़ता जा रहा था, निर्णय लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो कैसे निर्णय ले, क्या करे, किसके पक्ष में निर्णय ले, स्वयं के पक्ष में, वामीरों के पक्ष में, गांव वालों के पक्ष में, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अपना क्रोध प्रकट करने के लिए उसके पास कोई और साधन भी नहीं था, और उसके क्रोध के आगे लोग तो सहम गए, पूरा गांव जैसे सकते में आ गया। क्या होने जा रहा है इसका पता बिल्कुल किसी को नहीं था, लेकिन पूरा गांव सहम गया था कि निश्चित ही कुछ अनिष्ट होने वाला है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे के बीच ततारा को कोई राह नहीं सूझती है कि वो अपने क्रोध का शमन कैसे करे, क्रोध को कैसे शांत करे। कहते हैं कि कभी कभी क्रोध में विवेक खो जाता है तो लोग खुद पर हमला करते हैं, हाथ काट देते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं। तमाम तरह की घटनाएं आपने आए दिन सुनी होगी कि अपने क्रोध को शांत करने के लिए ऐसी बहुत सारी घटनाएं आए दिन समाज में देखने और सुनने को मिलती हैं। जिस समय व्यक्ति निर्णय लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होता, ऐसी स्थिति में उसे ये लगता है कि खुद को नुकसान पहुंचाओ या अपने हिम्मत और ताकत का एक नया परिचय दो, तो उस हिम्मत और ताकत के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस कार्य का निर्णय लिया जाता है वो बिल्कुल उचित नहीं भी होता है, फिर भी क्रोध के कारण, अनिश्चितता के कारण ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसे ये लगता है कि अपने क्रोध का शमन किस तरह से करे, कौन से रास्ता निकाले अपने लिए। बस उसने
उसका हाथ उस दैवी तलवार पे चला जाता है, पूरी शक्ति से वो तलवार को खींच लेता है और अपना क्रोध खत्म करने के लिए उस तलवार को धरती में घोंप देता है। और जितने जोर से वो धरती पर ताकत से तलवार को घोंपता है, उसी ताकत से उसे खींचना शुरू कर देता है, पूरी ताकत लगाकर उसे खींचना शुरू कर देता है। पसीने से लथपथ हो जाता है, सारे लोग घबराए रहते हैं। वो तलवार को अपनी ओर खींचते खींचते दूर तक पहुंच जाता है, हांफ रहा होता है। ये है अनिर्णय की स्थिति। अचानक जहां एक लकीर खींच गई थी, वहां एक दरार होने लगती है। जिस स्थान पर तलवार घोप कर उसे खींचता हुआ ततारा दूर तक लेके चला जाता है, वहां एक दरार बन जाती है और मानो ऐसा लगता है जैसे धरती दो टुकड़े में कहीं पट गई हो। और अचानक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजती है, धरती के दो टुकड़े होने लगते हैं। जिस सीधी लकीर में ततारा ने तलवार को खींचा था, उसी सीधी लकीर की तरह धरती फटती हुई चली जाती है। द्वीप के अंतिम छोर पर ततारा धरती को मानो क्रोध में फटती हुई धरती को देख रहा है। सारे लोग गांव के पासा और लपाती जो पशु पर में इकट्ठा हुए थे, सारे लोग गांव के जो रहते हैं अचानक घबरा उठते हैं, भयाकुल हो जाते हैं कि कौन सा अनिष्ट होने वाला है। किसी को कुछ पता नहीं चलता, भय से व्याकुल होकर के उनके समझ में नहीं आता कि इस घटना को वो कैसे रोके, क्या करें कि ये बात जहां की तहां रुक जाए। जिस दृश्य की कल्पना गांव वालों ने कभी नहीं की थी, उस दृश्य की अनुभूति होती है। सारे सिहर उठते हैं, वामीरो फटती हुई धरती को देखती हुई चीखती रहती है, चीखना शुरू कर देती है और चीखते चीखते उस धरती के किनारे की ओर दौड़ती रहती है। उसके मुंह से बस एक आवाज निकलती है, करुणा से भरी चीख मानो गड़गड़ाहट में कहीं डूब रही थी, और सिर्फ एक आवाज निकलती है, ततारा ततारा। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे अंतिम छोर तक पहुंच गया। द्वीप दो टुकड़े में विभक्त हो चुका था, एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो, यानी कि इस परंपरा प्रेम भरी परंपरा को रोकने में पूरे द्वीप के दो टुकड़े हो जाते हैं। इस परंपरा, इस रूढ़िवादी परंपरा की के दो टुकड़े हो जाते हैं और संभवतः निर्णय न लेने की स्थिति में ही ततारा ने इतना बड़ा कार्य किया था। परंपराओं का विरोध करने की ताकत न वामीरो में थी न ततारा में थी, तो वह विरोध इस रूप में निकली कि उसने पूरी ताकत से उस तलवार को धरती में घोंप दिया और एक तरफ ततारा और दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे होश आया, थामना चाहा, रुकना चाहा, अचानक क्रोध पर जैसे एक लगाम लगी, खुद को रोकना चाहा, किंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, वह नीचे की ओर फिसलने लगता है। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ
फिसल रहा था, उसके मुंह से बस एक चीख उभर कर कहीं दूर धरती के भीतर समा गई। उसकी आवाज में बस शब्द था, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी अपने भरपूर ताकत से ततारा को पुकार रही थी। ततारा ततारा पुकारती जा रही थी। उसे ये नहीं पता था कि ततारा किस दुनिया में खो गया। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा। रोकना बहुत कठिन था, किसी भी रूप में ततारा को बचाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो धरती के दूसरे छोर पर था। उसे कोई होश नहीं रहा कि वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ है, जो कि दूसरे हिस्से के संयोग से संयोगवश जुड़ा था। अब बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में ततारा का क्या हुआ? इधर वामीरो पागल हो उठे। प्रेम का इतना दुखद अंत किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती, घंटों बैठती। ऐसा प्रतीत होता है कहानी को पढ़कर कि जैसे किसी फिल्म का दृश्य हो आंखों के सामने। आप उसकी कल्पना करिए कि उस कहानी का जो दृश्य है, उस दृश्य की अनुभूति अपने हृदय में लीजिए, तो आपको लगेगा किसका फिल्मांकन अगर हो तो उसमें कितना सौंदर्य और कितनी दुखद भरी प्रेम कथा का अंत होगा। इस प्रेम कथा का अंत इसी तरह होता है। ना तो वामीरो का पता चलता है कि वो अपने पागलपन में उसका अंत क्या हुआ, या ततारा उस धरती के उस छोर से बहता हुआ कहाँ चला गया। आज तक लोगों को इस बात का पता नहीं चला। गांव के समस्त लोगों को मात्र इस बात की अनुभूति थी कि ततारा और वामीरो की प्रेम कथा का यही अंत हो गया। ये अंत कितना दुखद था इसकी अनुभूति थी। लोगों को ये लगने लगा कि रूढ़िवादी जो परंपराएं होती हैं, कभी कभी वो बहुत नुकसानदायक भी हो जाती हैं। किसी को इस बात की अनुभूति नहीं होती कि ये परंपराएं जिसका समाज विरोध करता है, जिसके विरोध में खड़े होने पर घर बाहर सब ओर हमारा विरोध किया जाता है, अंत में वो कितनी दुखद रूप में परिणत हो जाती है। तमाम घटनाएं, तमाम कहानियां, तमाम पत्र पत्रिकाएं, आए दिन समाचार पत्रों में ये सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। इसीलिए प्रेम कथा का इतना दुखद अंत होने पर वो एक निशान छोड़ जाता है, वो कहानी एक यादगार बन जाती है। यहाँ पर तो ये लोक कथा थी, वहां की परंपराओं में डूबी हुई लोक कथा थी, जिसका अंत न लपाती के किसी व्यक्ति को पता था, न पासा के किसी युवक को पता था। लोगों को बस ये लगता था उस प्रेम का अंत यही था कि दोनों का बलिदान हो गया, कोई उस चीज की अनुभूति नहीं कर पाता। और वह हर समय वामीरो ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती, घंटों बैठी रहती। खाना पीना छूट गया, परिवार से वह एक तरह बिल्कुल अलग हो चुकी थी, और लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु कोई सुराग नहीं मिला। कुछ कालांतर के बाद ये प्रेम
की बात ये प्रेम का वर्णन एक कहानी बन गई, लोगों को बताने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए एक कहानी बन के रह गई कि किस तरह से प्रेम कथा का अंत हुआ और कालांतर में जब न ततारा रहा न वामीरो तो उसकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाने लगी। जब ये प्रेम कथा अपने परवान पर थी, अपनी पूरी पूरे जोश पर थी, जिसका एक निर्णय हो सकता था, तो घर से लेकर समाज तक उसके विरोधी खड़े हो गए थे। तो ऐसे हुआ इस प्रेम कथा का अंत। निकोबारियों का मत था कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा और बामेरो के त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। कहते हैं कि कोई बड़ा परिवर्तन आने के समय ये निश्चित होता है कि कोई बड़ी घटना उसके पीछे अवश्य होती है। इतने बड़े द्वीप का दो टुकड़े हो जाना, जीवन पर्यंत के लिए उसे दो हिस्सों में बंट जाना, एक लोक कथा के रूप में समाहित हो जाना, कोई छोटी मोटी घटना आपस में नहीं मानी जा सकती। यद्यपि इस घटना से लोगों को एक सीख अवश्य मिली कि रूढ़ियां जब बंधन बनने लगे तो उसे तोड़ देने में भलाई होती है, अन्यथा उसका परिणाम कभी भी किसी भी रूप में व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तो निकोबारियों का जो मत था वो लोक कथाओं में जाकर समाहित हो गया। तो लीलाधर मंडलोई ने इसमें ये दिखा दिया कि इस प्रेम कथा का एक सुखद परिणाम यही मिला कि अब उनके यहाँ एक दूसरे के गांव में विवाह परंपराएं हो, विवाह इत्यादि होने लगी। तो इसी के साथ ये कथा कहानी तो खत्म हो गई है। तो मैंने आपको इस ततारा वामीरो कथा की को पूरी तरह से समझा दिया आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पाठ्यपुस्तक के में पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न इस प्रश्न में हैं वो आपको कराए जा चुके हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ संक्षिप्त प्रश्न होते हैं, कुछ लघु होते हैं, कुछ विस्तृत होते हैं। तो अगर प्रश्नों की चर्चा करें तो वामीरो ततारा को क्यों भूल जाना चाहती थी, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो वामीरो ततारा को इसलिए भूल जाना चाहती थी क्योंकि उसको पता था कि उसके गांव की ये रीति है कि दूसरे गांव के युवक से प्रेम संबंध रखने पर उसे वो निर्वाह नहीं कर पाएगी। उसके अपने गांव के नियम और परंपराओं के चलते वो किसी अन्य गांव के युवक से विवाह संबंध नहीं कर सकती है। तो उसे ये लगता है कि ततारा को भूल जाने में ज़्यादा भलाई है, इस संबंध को आगे बढ़ाना बिल्कुल उचित नहीं है, इसीलिए वो उसे भूल जाना चाहती थी। अगर ततारा वामीरो कथा पूछा जाए कि किस क्षेत्र से संबंधित है तो वो तो आप जानते ही हैं कि अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की ये कथा है, वहाँ के एक प्रसिद्ध युवक ततारा के ऊपर और की प्रेम कथा है। और
ततारा की तंद्रा अचानक कैसे भंग हुई ये पूछा जा सकता है। तो उसकी तंद्रा एक समूह की एक तरंग के माध्यम से एक मधुर स्वर गीत के मधुर स्वर की आवाज से और उसी समय एक समुद्र की लहर आती है जिससे उसकी तंद्रा अचानक भंग हो जाती है। प्रेम रूढ़ियों का बंधन नहीं मानता, ये प्रश्न काफी मुख्य रूप से जाना जा सकता है कि आप इस आधार पे बताइए कि प्रेम एक ऐसी परंपरा है जिसके आगे सारी चीजें नगण्य हो जाती हैं, रूढ़ियों के बंधन में बंध कर प्रेम संभव नहीं है। प्रेम किसी के बंधन को कभी स्वीकार नहीं करता, ये एक स्वाभाविक अनुभूति है जो कभी भी किसी को अनुभव के रूप में मिलती है। लेकिन ततारों और वामिरों ने भी यही अनुभव किया कि जो रूढ़िवादी परंपरा उनके यहाँ है वो विवश थे कि उस परंपरा को तोड़कर खुद को एक डोर में नहीं बांध सकते थे और विवाह के मार्ग में ये बहुत बड़ी बाधा थी उनके लिए। बलिदान देकर ही रूढ़ी को चुनौती दी जा सकती है, समाज को एक नई सीख देने के लिए चुनौती दी जा सकती है। तो ये सारे बंधन तभी टूटते हैं। इन्हीं सारी बातों को आप कथा के आधार पर इसमें वर्णन कर सकते हैं। ततारा अपनी कमर में सदैव तलवार जो बांधे रखता था, तो आपको पता है कि तलवार लकड़ी की अवश्य थी मगर उसमें अद्भुत दैवी शक्ति थी, विलक्षण शक्ति कहना चाहिए, जिसका कि उपयोग ना तो कभी किसी के सामने करता था और ना किसी को दिखा कर करता था। जब कभी सामाजिक मर्यादा पर आंच आती थी तभी उसके लिए उसका उपयोग वो करता था। जब उसे ये लगा कि इस प्रेम ततारा और वामिरों के प्रेम का विरोध सारा समाज कर रहा है, तो ऐसे स्थान पर वो अपने क्रोध का शमन करने के लिए उस दैवी तलवार की को कस के पकड़कर धरती में घोप देता है और तभी उसका उपयोग करता है। तो इस तरह से बहुत सारे कथा पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको चरित्र चित्रण भी ततारा और वामिरों का पूछा जा सकता है। तो अगर ततारा का पूछा जाए तो आप उसमें बताइए कि आकर्षक व्यक्तित्व था, परोपकारी स्वभाव था, विलक्षण शक्ति थी, सच्चा प्रेमी था, मददगार था लोगों का, नेक दिल इंसान था। और वामिरों का चरित्र चित्रण करिए तो संगीत प्रेमी थी, प्रकृति का की को पसंद करती थी, लोक समाज की लोकलाज की रक्षक भी थी, निश्चल प्रेमिका भी थी, रूढ़ी के लिए खुद को बलिदान कर देती है लेकिन उस रूढ़ी का और घर वालों और समाज का विरोध नहीं कर पाती। तो ऐसे छोटी मोटी चीजों को आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस पे आधारित कुछ प्रश्न भी मैंने समझा दिए, तो आप इस पाठ को दोहराइए और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।